And today I will tell you, keep educating with JSR. Today I will tell you about the chapter Metallurgy. मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बहुत मतलब प्रॉब्लम्स बताई अपनी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि आप मेटलर्जी के बारे में बताओ. तो मैंने मेटलर्जी के बारे में थोड़ा सा अपना जो नोटिस है मैंने बनाए बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे. टेंशन मत लो, इतना मतलब थोड़ा बहुत आता है उस कुछ रिएक्शन से आते हैं या फिर प्योरिफिकेशन आते हैं और मैंने समझाना है तो आ जाना है. मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं यहाँ पर, जिसमें मेरा पहला टॉपिक है मिनरल्स और ओर्स, दूसरा है मेटल्स एंड देयर ओर्स, तीसरा है मेटलर्जी, चौथा है मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ फूड्स. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. मेरा पहला टॉपिक है मिनरल्स एंड ओर्स. इसके हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर अकर इन नेचर इन द अर्थ क्रस्ट. एंड ओर्स, ओर्स के बारे में हमें जानकारी ये है कि मिनरल्स विच आर प्रोहिबिटिवली, मिनरल्स विच आर प्रोहिबिटिवली अकर्स इन द अर्थ सरफेस एंड आर प्यूरिफाइड बाय द सर्टेन मेथड्स एंड द प्रिसिपिटेट विच इज लेफ्ट इन द रिसीवर और एनीथिंग जो आप ले रहे हैं फ्लक्स वगैरह उसमें रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं ओट्स. हमारी डेफिनेशन तक का काम खत्म हुआ, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे इसके डिफरेंस के डिफरेंस क्या है. इसका एक तो आप डेफिनेशन का डिफरेंस दे सकते हैं, दूसरा आप डिफरेंस दे सकते हैं इसका एग्जांपल. मिनरल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज कीजिए आप ले सकते हैं बॉक्साइट और क्ले, और आप डिफरेंस का एग्जांपल ले सकते हैं बॉक्साइट. बॉक्साइट का मैंने फॉर्मूला है बॉक्साइट Al2O3 × XH2O. एक्स यहाँ पर आप 1, 2, 3 तक यूज करते हैं, मिनिमम आप 1 यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट आपकी 3 है क्योंकि ये इतने ही H2O मॉलिक्यूल के साथ अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है. अब जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब पढ़ेंगे मेटल्स. मेटल्स चैप्टर आपने 9th 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा मेटल, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में. तो आज हम पढ़ेंगे इसकी ओर्स के बारे में. मैंने कुछ सर्टेन मेथड लिए जैसे Fe, Al, Zn और Cu. एग्जाम्स में सिर्फ इन्हीं के बारे में आता है और यही मेन है जिनके ओर्स के बारे में हमें पढ़ना है. Fe की जो प्रिंसिपल ओर है वो है हेमेटाइट, मतलब इसका फॉर्मूला है Fe2O3. एल्यूमिनियम की बॉक्साइट है, Zn की है जिंक ब्लेंडे. Cu कॉपर की है कॉपर पाइरेट. Cu Fe S2. गॉट इट. अब हम इनके प्यूरिफिकेशन और इनकी प्रॉपर्टीज और ये कैसे हमें अर्थक्रस्ट से मिलती है वो बाद में पढ़ेंगे. अब हम मेटलर्जी के बारे में जाते हैं. मेटलर्जी सिर्फ चैप्टर के बारे में, मेटलर्जी तो हमें इन मेटल्स की पढ़नी है सिर्फ. मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, the process of extraction of metal from their ores is known as metallurgy. Got it? अब हम इसके पढ़ेंगे कि method of purification of ores, कि कौन कौन से method है जिनसे हम इन ores को purify कर, जिन minerals को purify कर सकते हैं और ores प्राप्त कर सकते हैं. सॉरी मैंने यहाँ पर ओर्स लिख रखा है, यहाँ पर एग्जैक्टली मिनरल आना है, ठीक है. तो पहला जो मेरा मेथड है वो होगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, इन दो के बारे में लेते हैं. हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, हाइड्रोलिक का मतलब आप जानते ही होंगे, हाइड्रोलिक और वॉशिंग. हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है, इसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो लाइटली होनी चाहिए, जो इम्प्योरिटीज है वो लाइटली होनी चाहिए. इस वाले मेथड में क्या होता है, हम इम्प्योरिटी को एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू पास करवाते हैं और एक रनिंग स्ट्रीम होती है, वाटर की रनिंग स्ट्रीम होती है
उससे जो हमारे इम्प्योरिटीज मतलब पूरा मिनरल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज जो गैन पार्टिकल बहुत लाइट होंगे लाइट वेट में होंगे वो सारे रनिंग वाटर के साथ चले जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स है वो लेफ्ट हो जाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे मिनरल्स। इसका डायग्राम आप ले सकते हैं। ये रिसीवर ले लिया हमने जहाँ पर हमारी ओर, यहाँ से हमने ओर सपोज कीजिए ये इम्प्योरिटीज ये मिनरल हमने डाल दी, ये नीचे आएगी यहाँ फिट हुई ठीक है, और यहाँ पर एक रनिंग वाटर है, ये वाटर है H2O, ये वाटर हमारा पास आउट हो रहा है और यहाँ पर एक दूसरा कंडेंसर है जिसमें लाइट पार्टिकल्स आएंगे, ये वाटर के थ्रू जितने भी लाइट पार्टिकल्स है वाटर के थ्रू निकल जाएंगे, रोलर होगा वाटर के थ्रू निकल जाएंगे और जो हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और उसी को हम क्या कहेंगे ओर्स। गॉट इट। अब दूसरा मेथड लेते हैं अपना मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में एक रोलिंग मशीन होती है और उसमें हम इम्प्योरिटीज जो होंगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी और जो नॉन मैग्नेटिक होगी और जो हमारी ओर होगी वो मैग्नेटिक नेचर में होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज सपोज कीजिए नॉन मैग्नेटिक SNO2 ले सकते हैं और मैग्नेटिक इम्प्योरिटी हम ले सकते हैं Fe2O3 ले सकते हैं। इस वाले मेथड में हम एक बेल्ट पर एक रोलिंग बेल्ट होगी, यहाँ पर एक कंडेंसर होगा, इस पर इम्प्योरिटी करेंगे नॉन मैग्नेटिक नेचर की इम्प्योरिटीज होंगी वो जो ये मैग्नेट आयरन की बेल्ट होगी जो मैग्नेटिक नेचर में होंगी वो तो यहीं स्टिक हो जाएंगी इस बेल्ट पर रोलर पर और जो बाकी वेस्ट इंप्योरिटी होंगी वो यहाँ गैस पार्टिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओर वाला कंडेंसर यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक आएंगी, ये नॉन मैग्नेटिक यहाँ पे इंप्योरिटीज लाइट पार्टिकल वाली नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज आएगी। और दो तीन मेथड हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपने और वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो वाले मेथड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टॉप।